श्रोताओं, नर्मदे हर। माँ नर्मदा के इस तट को गौरी घाट कहते हैं या गौरी घाट, यह अब तक निश्चित नहीं कर पाया था। मित्रों, अब माँ नर्मदा के इस तट को निश्चित तौर पर मैं गौरी घाट ही कहूँगा। गौरी घाट अपभ्रंश है, जबकि वास्तव में इसका नाम है ग्वारी घाट। शांकरी के तट पर बसा यह घाट, जहाँ पर एक उमा घाट भी स्थित है, तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने जिसे सजाया और संवारा। यहाँ प्रतिदिन नर्मदा आरती में हजारों की भीड़ जुटती है। हम आज समय निकालकर या कहें अपने व्यस्त शेड्यूल से समय चुरा कर ले आए और नर्मदा के तट पर दीप प्रज्वलन की इच्छा थी, पूजन करने की इच्छा थी और अपनी माँ से मिलने की इच्छा थी। तो मैं अपनी पत्नी के साथ नर्मदा तट पर आया। पूजन, दीप प्रज्वलन और दीप दान की प्रक्रिया तो श्रीमती सुलभा बिलोरे ने की। मैं माँ के बहाव को देखता रहा, उनकी धाराओं से बात करता रहा। तब तक पांचों दीप जाग चुके थे और वो दीप क्रमशः मेरी पत्नी ने नर्मदा को अर्पित कर दिए। अर्पित कर दी एक छोटी सी चुनरी और नारियल। माँ के प्रति हमारी कृतज्ञता क्यों ना हो। कहते हैं कि नर्मदा के तीन कोस दाएं, तीन कोस बाएं, कभी भी अकाल की संभावना नहीं होती है। मैंने भी अपने जीवन काल में नर्मदा के तट को भूख से बिलखते हुए नहीं देखा। नर्मदा का तट जहाँ एक ओर ज्ञान और चिंतन तथा नई विचारधाराओं का सृजन करने के लिए जाना जाता है, वहीं दो वीरांगनाओं को कौन भुला सकता है। जी हाँ, मैं महारानी दुर्गावती को याद कर रहा हूँ और याद कर रहा हूँ रानी अवंतीबाई लोधी को, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर, सर्वोच्च बलिदान देकर इस भूमि की रक्षा की। वीरांगना दुर्गावती ने मुगलों से लोहा लेकर अकबर की सत्ता को रोक दिया, वहीं रानी अवंतीबाई ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर अंग्रेजों को बता दिया कि महाकौशल यूं ही महाकौशल नहीं है। पूर्व प्राचीन भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि नर्मदा के तट पर महर्षि जाबाली का विचार क्रम जारी रहा है। महर्षि जाबाली ने यहाँ अनीश्वरवाद की कल्पना की थी और उसे जन जन तक पहुँचाने की कोशिश भी की थी। भारत के पूरा प्राचीन इतिहास में एक नाम और उल्लेखनीय है, महर्षि भृगु का। कहते हैं कि महर्षि भृगु ने भृगु संहिता का निर्माण यहीं किया था। सच जो भी हो, लेकिन यह सत्य है कि तपोस्थली भेड़ाघाट में थी महर्षि भृगु की। श्रोताओं, आप जानते ही होंगे कि प्रोफेसर रजनीश चंद्र मोहन जैन जबलपुर में ही निवास करते थे। अपने निवास के दौरान में जितने वर्ष तक वे जबलपुर में रहे, उतने वर्ष उन्होंने नर्मदा के तट पर जाना नहीं छोड़ा। वे वहीं अपना ध्यान लगा रहा करते थे। पूर्व प्राचीन भारतीय इतिहास के एक विद्वान महर्षि भृगु, जिन्होंने
भृगु संहिता की रचना की थी वे भी नर्मदा के तट पर यानी भेड़ाघाट में अपनी तपोस्थली बनाकर रहते थे। कहते हैं कि इसी दौरान उन्होंने भृगु संहिता की रचना की थी। सच जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि नर्मदा के 10 कोस दाएं 10 कोस बाएं तट के किनारे कभी भी दुर्भिक्ष नहीं पड़ सकता। जब भी कभी आप अवसर मिले नर्मदा के तट पर बैठकर चिंतन और ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त कर सकते हैं। माँ नर्मदा का द्वार हमेशा खुला हुआ है।